जब नेटफ्लिक्स ने प्रभास की फिल्म से एक वीडियो शेयर कर किया प्रभास को बेइज्जत, तो फैंस ने दी अनसब्सक्राइब की धमकी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप साउथ और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हर खबर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल फिल्मी नेचर को सब्सक्राइब करें। और आज की इस खबर में हम बताने वाले हैं साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार प्रभास के बारे में। दरअसल दोस्तों, प्रभास की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले आदिपुरुष की वजह से उन्हें ट्रॉल्स का सामना करना पड़ा था, वही अब उनकी फ्लॉप फिल्म साहो का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल नेटफ्लिक्स इंडोनेशिया ने प्रभास का मजाक उड़ाते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। हालांकि फैंस अपने सुपरस्टार का मजाक उड़ाते हुए देख भड़क गए, वह नेटफ्लिक्स को अनसब्सक्राइब की धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, फैंस सोशल मीडिया पर अनसब्सक्राइब नेटफ्लिक्स नाम का हैशटैग भी ट्रेंड करवा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि नेटफ्लिक्स ने प्रभास का वीडियो शेयर कर ऐसा क्या लिखा जो नेटिजन्स इतना भड़क गए, आइए जानते हैं। नेटफ्लिक्स इंडोनेशिया ने सोशल मीडिया पर फिल्म साहो का एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में प्रभास एक ऊंचे पहाड़ से छलांग लगाते हुए किसी रॉकेट की तरह उड़ते हुए एक बैग को पकड़ने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। नेटफ्लिक्स इंडोनेशिया ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, कामो नियना इनी अखी आपा, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है, व्हाट एक्शन इज दिस। बता दें कि प्रभास के फैंस इस ट्वीट को बेइज्जती के तौर पर देख रहे हैं, यही कारण है कि वह हैशटैग अनसब्सक्राइब नेटफ्लिक्स ट्रेंड करवा रहे हैं। बता दें कि नेटफ्लिक्स इंडोनेशिया ने बाद में अपने ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। पोस्ट शेयर कर प्रभास को सपोर्ट कर रहे हैं। एक फैंस ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ट्विटर पर एक बड़ी त्रासदी का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। वहीं दूसरे ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह नेटफ्लिक्स का ऐप अनइंस्टॉल करते दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, इस ऐप को छोड़ने का समय आ गया है, अब कभी यहाँ वापस नहीं आऊंगा और दोस्तों को भी इस खराब ऐप की सदस्यता न लेने की सलाह दूंगा। तो वही तीसरे यूजर ने लिखा, बस बहुत हो गया, हम आपके मेंबरशिप छोड़ रहे हैं। बता दें कि प्रभास की फिल्म साहो का निर्देशन सुजीत द्वारा किया गया है। 2019 में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। फिल्म में प्रभास के अलावा श्रद्धा कपूर, नील नितिन मुकेश, जैकी श्रॉफ और चक्की पांडे मुख्य भूमिका में नजर आए थे। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फिल्मी नेचर को सब्सक्राइब करें।